तो जैसे जैसे पठान की रिलीज डेट करीब आ रही है, इस मूवी को लेकर हाइप और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। लोग काफी एक्साइटेड हैं YRF के स्पाई यूनिवर्स को अनफोल्ड होता देखने के लिए। आफ्टर ऑल अपने इंडियन सिनेमा में भी यूनिवर्सेस का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, और ये चीज देखते हुए बहुत अच्छा भी लगता है कि इंडियन सिनेमा में भी इस तरीके के नैरेटिव को अडॉप्ट किया जा रहा है। अब जहां यूनिवर्सेस की बात आ रही है, वहां थ्योरीज तो आएंगी ही आएंगी, और पठान को लेकर तो आए दिन कोई ना कोई नई थ्योरी आते ही जा रही है। बाय द वे, मैंने भी इसके ट्रेलर का एक ब्रेकडाउन किया है, कुछ हिडन डिटेल्स और कुछ थ्योरीज पर भी बात करी है। तुम चाहो तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अभी यहाँ पे, इस वीडियो को फर्दर देखने से पहले। तो बात रही जहाँ थ्योरी की, वहाँ सलमान खान का कैमियो तो कंफर्म हो ही चुका है, लेकिन साथ ही साथ ऋतिक रोशन के कैमियो के स्पेकुलेशन भी बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अभी अभी रिसेंट में तुमने ऋतिक रोशन का एक इंटरव्यू देखा होगा, जिसमें उनसे वॉर 2 और पठान के बारे में कुछ सवाल पूछे गए, जिसका ऋतिक ने साफ साफ सिर्फ इतना जवाब दिया कि आदित्य चोपड़ा एक बहुत ही सीक्रेटिव इंसान है, और बाकी तुम मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से जो समझना है समझ लो, तुम समझदार हो। ये स्टेटमेंट एक ग्रीन सिग्नल है कबीर के कैमियो का पठान में, और जैसा कि हमें ये बात ऑलरेडी पता है कि पठान में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाले हैं, तो इस चीज से ये थ्योरी और नैरो डाउन होते हुए नजर आ रही है कि कबीर हमें पठान में दिख सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि जिनको ऐसा लग रहा है कि कबीर पठान मूवी के बीच में आएगा, वो अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी लो कर लें, क्योंकि आई एम श्योर कि कबीर इन 2 पोस्ट क्रेडिट सीन में से किसी एक में आएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली वॉर 2 के सेटअप के ऑब्जेक्टिव से। अभी लास्ट मंथ तक कैमियो को लेकर मेरे दिमाग में यही चीज थी कि सिंस पठान में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, तो उनमें से एक पोस्ट क्रेडिट सीन में कबीर आएगा, एक में सलमान खान आएगा। बट अब जब ये चीज कंफर्म हो गई है कि सलमान खान का एक्सटेंडेड कैमियो होगा पठान में, जो कि ऑब्वियसली पोस्ट क्रेडिट सीन में हो नहीं सकता, तो सलमान खान तो मूवी में ही आ रहे हैं, पर 2 में से एक पोस्ट क्रेडिट सीन में कबीर की स्पेकुलेशन हम लगा चुके हैं, तो अब बचता है वो एक पोस्ट क्रेडिट सीन। तो आखिर उस एक पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को क्या मिल सकता है? दिस क्वेश्चन ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज द बिग बैड ऑफ दिस यूनिवर्स। अब हर शेयर्ड यूनिवर्स का एक इंटीग्रल पार्ट होता है उस यूनिवर्स का बिग बैड, जैसे कि MCU में थानोस, एक मेन और बड़ा विलन जिसकी तरफ इस पूरे यूनिवर्स की स्टोरी प्रोजेक्ट हो रही हो धीरे धीरे करके। एक बिग बैड के बिना एक शेयर्ड यूनिवर्स का कोई मतलब ही नहीं है। एक बिग बैड ही तो है जो कि इस शेयर्ड यूनिवर्स के पूरे नैरेटिव को ड्राइव करता है, उस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले सारे कैरेक्टर्स के आपस में इंटरेक्शन को जस्टिफाई करता है, उन्हें कॉमन ऑब्जेक्टिव देता है, क्योंकि आखिरकार ये सारे कैरेक्टर्स अपने अपने इंडिविजुअल विलन से लड़ते लड़ते पहुंचेंगे तो एंड में यूनाइट होके उस एक बिग बैड के अगेंस्ट। तो जहां तक YRF स्पाई यूनिवर्स के बिग बैड की बात आती है, जो कि ऑब्वियसली इस यूनिवर्स को जरूरत भी है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पठान मूवी में उस बिग बैड के टीज हो जाना या फिर उसके अपीयरेंस के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। स्टैटिस्टिक्स लेके चलूं तो मुझे 10-20% चांस है कि हमें बिग बैड देखने को मिले पठान मूवी में, और वो भी उस पोस्ट क्रेडिट सीन में, पर वो भी 10-20% चांस है सिर्फ। अभी तक अगर इंडियन यूनिवर्सेस में किसी ने अपने बिग बैड को सक्सेसफुली एस्टैब्लिश किया है, तो वो है लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसका बिग बैड है रोलेक्स। अब YRF के इस चीज को लेके क्या प्लान्स है वो तो मैं नहीं बता सकता, बट वन थिंग दैट आई एम श्योर अबाउट इज दैट YRF इज नॉट फकिंग अराउंड विद देयर यूनिवर्स। वो काफी सीरियस हैं इसको लेके, और इसे काफी वेल प्लान्ड मैनर में एस्टैब्लिश करते नजर आ रहे हैं। तो हाँ, उम्मीद कम रख सकते हो, खत्म नहीं। बाकी बात रहेगी कौन सा एक्टर YRF में बिग बैड बन सकता है, इसको लेके कोई टीज हुआ नहीं है, मतलब कोई मेंशन भी नहीं है, कोई हिंट तक भी नहीं है, इसीलिए मैं अपने एक्सपेक्टेशंस बहुत कम रख रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कौन सा एक्टर कास्ट होना चाहिए YRF स्पाई यूनिवर्स के बिग बैड के लिए? वेल, अगर मुझसे पूछो तो मुझे लगता है अर्जुन रामपाल इज अ गुड चॉइस, क्योंकि एक मेनेसिंग विलन वो कितनी अच्छे से प्ले कर सकता है, हमने रावण मूवी में ऑलरेडी देखा हुआ है। वेल, तुम भी मुझे कमेंट बॉक्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो कि तुम्हें क्या लगता है कि YRF का बिग बैड कौन होना चाहिए। बाकी बात रही पठान मूवी की, तो उससे जुड़ी हुई काफी इंटेंस थ्योरीज इस टाइम पूरे YouTube पर फैली हुई है। मैं इस चीज पर सच बताऊं तो कुछ बोल सकता नहीं और ना ही बोलना चाहता हूं। मतलब कि थ्योरीज मैं भी बना रहा हूं, बट उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है जो कि बाकी यूट्यूबर्स इस टाइम बना रहे हैं। और जितनी भी मेरी थ्योरीज हैं, वो ऑलरेडी मैं अपनी इससे पहले वाली ब्रेकडाउन वीडियो में बता चुका हूँ, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत है, और पठान को एक पॉपकॉर्न एंटरटेनर समझ के ही थिएटर में घुसना तुम्हारे हित में साबित होगा। बिकॉज होता कुछ यूं है कि थ्योरीज बनती हैं, हम उन थ्योरीज के हिसाब से ही उस मूवी को देखने थिएटर में घुसते हैं, और फिर जब हमारी थ्योरीज के अकॉर्डिंग वो मूवी नहीं जाती है, तो उस मूवी में जो एक्चुअली में अच्छी चीजें हैं, हम उसे भी एंजॉय या अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, और एक एंजॉयबल मूवी को भी डिसअपॉइंटमेंट की तरह देखने लगते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि डिसअपॉइंटमेंट समझ के जाना, क्योंकि देखो बॉस, एक चीज पक्की है, फिल्म बहुत धमाकेदार होने वाली है धुआंधार एक्शन के साथ, लेकिन अपनी थ्योरीज को चेक में रख के जाना। फॉर एग्जाम्पल, ऋतिक के कैमियो को एक्सपेक्ट करो और फिर वहीं रुक जाओ, मतलब अपने पूरे दिमाग में एक सीन टू सीन सिनेरियो बना लेना कि यार ऋतिक ऐसा आएगा, ऐसे आएगा, ये होगा, वो होगा,
यही एक्सपेक्टेशंस तुम्हारा एक्सपीरियंस बिगाड़ेंगी, क्योंकि ये एमसीयू नहीं है जो कि एक ऐसे स्टेज पे आ जाए जहां 50 थ्योरीज हम बना सकें। ये अभी सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्टिंग है, और मे बी ये मूवी हमें कुछ ऐसा एंड में दे जाए कि हम YRF स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर के लिए थ्योरीज बना सकें। और जिसको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कुछ बकवास कर रहा हूं, तो सिर्फ कुछ महीने पहले अपने आप को रिवाइंड करो और ब्रह्मास्त्र मूवी याद कर लो। 10 यूट्यूबर्स ने 10 थ्योरी बनाई थी और सबने बहुत मजे से उन थ्योरीज को सुना भी था, और फिर जब थिएटर में गए क्या हुआ ये सबको याद है। आई मीन ब्रह्मास्त्र एक डिसेंट मूवी थी, एंजॉयबल थी, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ने उसे बहुत लोगों की नजरों में डिसअपॉइंटमेंट बना दिया। मैं तो देखो यही मान के चल रहा हूँ कि मूवी बहुत मजेदार होगी, बहुत धुआंधार एक्शन होगा, वॉर टाइगर से कनेक्शन होगा, अच्छा खासा सेटअप भी होगा, और फिर एंड में ये मूवी हमें कुछ ऐसा दे जाएगी जिसको देख के हम आने वाली फिल्मों के लिए पगला जाएंगे। सेम जैसा कि विक्रम की एंडिंग ने ओवरऑल पूरे लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की हाइप को पैदा कर दिया था, और वो हाइप अभी तक बरकरार है। इनफैक्ट उस यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी आने तक भी बरकरार रहेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यश राज भी अपने स्पाई यूनिवर्स के साथ कुछ सिमिलर करेगा। तो गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इसके बारे में, और हाँ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज अ पॉप कल्चर नर्ड साइनिंग ऑफ। वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।